बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु और एक्टर करण सिंह ग्रोवर के घर खुशियों का माहौल बन चुका है। दरअसल यह दोनों आज माता पिता बन गए। बिपाशा बसु ने शादी के 6 साल बाद यानी 12 नवंबर को एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट के बाद अब बॉलीवुड का यह लविंग कपल भी पेरेंट्स की लिस्ट में शामिल हो गया। वहीं खबरों की माने तो 43 वर्ष की बिपाशा बसु ने शादी के 6 साल बाद नन्नी परी का वेलकम किया। इन्होंने साल 2016 में शादी की थी। जब यह खबर सोशल मीडिया पर आए तो फैंस से लेकर कई बॉलीवुड हस्तियों ने इन्हें बधाई दी। वहीं अपने एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि वह हमेशा से ही एक बेटी चाहती थी, इसलिए वह अपने बेबी को भी बेटी कहकर बुलाती थी। बिपाशा ने एक इंटरव्यू में कहा, जब से हमने एक बच्चे के बारे में सोचना शुरू किया तब से हमें एक बेटी की आशा करते हैं। मुझे पता है कि एक बच्चा एक सुंदर गिफ्ट है और हमें किसी भी लिंग की स्वीकृति नहीं होनी चाहिए। वहीं अपने एक दूसरे इंटरव्यू में बिपाशा ने अपनी बेटी को माता वैष्णो का आशीर्वाद बताया। बिपाशा ने बताया कि कैसे माँ दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, आप सभी बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर के माता पिता बनने पर उन्हें बधाई देना ना भूले। साथ ही बॉलीवुड की ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।